हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटिस्ट्री से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, आरसीटी क्या होता है, क्यों किसी को आरसीटी कराने की ज़रूरत पड़ती है और क्या आरसीटी से डरना चाहिए, क्या ऐसा सोच लें कि आरसीटी कराने के बजाय वो टूथ या वो दांत हम निकलवा ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए जानते हैं आरसीटी में क्या होता है, कैसे होता है और क्यों आरसीटी किसी को कराना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरसीटी का मतलब क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। जो हमारा टूथ होता है, दांत होता है, वो जो हमें गम्स के बाहर दिख रहा होता है, वो उसका क्राउन पोर्शन होता है। उसके अंदर उसकी जड़ होती है, जिसे हम रूट कहते हैं, जो कि हमें गम्स के अंदर होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। तो आरसीटी का मतलब ये होता है कि जिस दांत में सड़न है या इन्फेक्शन है, वहाँ पर हम उस दांत को पूरा क्राउन से लेकर रूट तक पूरा क्लीन करें, ऊपर से नीचे तक पूरा अंदर से क्लीन कर दें। उसकी रूट्स के अंदर जो कैनाल्स हैं उनको हम क्लीन करें, इसलिए हम इसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इन्फेक्टेड पार्ट हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा दांत से निकाल सकते हैं। हम इस ट्रीटमेंट को करके दांत में जो भी इन्फेक्शन है उसे क्लीन कर सकते हैं, और अब क्लीन करने के बाद जो खाली जगह बचती है वहाँ पर हम फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं, एक इनर्ट फिलिंग सब्सटेंस जो लाइफ टाइम वहाँ दांत के अंदर मेंटेन रहेगा, उसको हम उस जगह पर डाल देते हैं। तो इससे वो दांत हमारा बच जाता है, उसमें फर्दर इन्फेक्शन होने से, सड़न आगे बढ़ने से बच जाती है, और वो दांत हमारा वहाँ पर मेंटेन रहता है और हम उससे नॉर्मली च्यू कर सकते हैं और उसको नॉर्मली फंक्शन हमारा उस दांत का बरकरार रहता है। तो क्यों करना पड़ता है आरसीटी? आरसीटी करना पड़ता है दांतों का इन्फेक्शन हटाने को और दांतों की लाइफ को मेंटेन रखने को। अगर वहाँ पर आरसीटी नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन जो है वो दांत से नीचे की बोन में जाएगा, जॉ की बोन में जाएगा, और वो बोन को भी ख़राब करेगा, वहाँ पे भी इन्फेक्शन बनेगा, पस बनेगा, स्वेलिंग भी आ सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि उस इन्फेक्शन के कारण आसपास के दांत भी ख़राब हो सकते हैं, और वो दांत खुद जिसमें इन्फेक्शन है वो फिर निकालने की नौबत उसकी आ जाएगी और कुछ टाइम बाद उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो उस किसी पर्टिकुलर दांत का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन उस दांत में ना रहे, वो दांत भी बच जाए, हमेशा हमारे काम आए, आजू बाजू के दांतों में भी वो इन्फेक्शन ना पहुंचे और वो भी हेल्दी रहें, और हमारे जॉ की बोन में भी कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि टूथ की आरसीटी कर लें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर लें और उस दांत का इन्फेक्शन ख़त्म करें और उस दांत को बचाएं। तो दोस्तों, अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्यों ना रूट कैनाल कराने के बजाय उस दांत को निकलवा दें, दांत हट जाएगा तो सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा सही नहीं होता, क्योंकि अगर वो दांत वहाँ से निकलवा देंगे तो वो दांत का जो रोल था हमारे चबाने में वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उस तरफ से हमारी च्यूइंग अब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो फिर बाद में उस पर नकली दांत लगवाने पे सोचेंगे, आर्टिफिशियल टीथ लगाने पे सोचेंगे। आर्टिफिशियल टीथ लगाने में भी एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे इम्प्लांट्स या ब्रिजेस, तो वो कराने में भी टाइम, एनर्जी, मनी, पैसा सब कुछ लगेगा। तो क्यों हम एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट को न्योता दें, एक आसान ट्रीटमेंट को छोड़कर हम आसानी से एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट वहां पर कराएं, उस दांत को बचाएं और हमेशा मेंटेन रखें? ये ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक डिकेड टूथ को, एक इन्फेक्टेड टूथ को बचाने के लिए और उसका दर्द खत्म करने के लिए, बजाय कि उसको निकलवाने का सोचने के। हम निकलवाने का सोचते क्यों हैं? क्योंकि हम रूट कैनाल कराने से डरते हैं, रूट कैनाल कराने के हम सोचते हैं उसमें बहुत दर्द होगा, तो क्यों ना हम उसको निकलवा के उसको ख़त्म करें। लेकिन ये सोचिए आप कि दांत निकलवाने के लिए भी एक सुन करने का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बिना सुन करे तो दांत निकलेगा नहीं। सेम उतना ही सुन कराने का इंजेक्शन, वही सुन कराने का इंजेक्शन रूट कैनाल में भी होगा, उससे वो हिस्सा सुन हो जाएगा और वहाँ पर वो रूट कैनाल हो जाएगी। आज के समय में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे रूट कैनाल करना एक बहुत ही क्विक प्रोसीजर हो गया है, बहुत ही आसान और हाईली एफिशिएंट प्रोसीजर हो गया है, मैं कहूँ जिसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी हो गई है। हमारी जो एडवांस्ड एक्सरे टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस्ड रूट कैनाल की मशीनरी है, रोटरी रूट कैनाल सिस्टम है, और लेज़र का इन्वॉल्वमेंट जो रूट कैनाल में है, लेज़र की जो हेल्प रूट कैनाल में मिल जाती है, इन सबसे रूट कैनाल एक बहुत ही आसान और बहुत ही हाई सक्सेस रेट वाला ट्रीटमेंट बन गया है। और अगर एक अच्छे स्किल्ड डॉक्टर से आप करा रहे हैं
तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक बार में ही पूरा किया जा सकता है। सिंगल सिटिंग आरसीटी बड़ी आसानी से आजकल की जा सकती है, जिसमें कि बार बार पेशेंट को इंजेक्शन लगवाना या बार बार अपॉइंटमेंट लेकर के आना नहीं करना पड़ता है और बड़ी आसानी से रूट कैनाल हो जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना हमें तब है जब दांत में इन्फेक्शन है, डीके है, और हमें वो डीके खत्म करना है, पेन खत्म करना है और दांत को हमेशा के लिए बचाए रखना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांत को ऊपर से नीचे तक अंदर से क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, खराब हिस्सा हटा देते हैं और उस जगह पर हम एक इनर्ट फिलिंग सब्सटेंस डाल देते हैं जो जिंदगी भर वहां पर बरकरार रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं जिससे कि दांत पूरी तरह से फंक्शन में रहेगा और काम आएगा। और रूट कैनाल नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन जो है वो उस दांत को तो खत्म करेगा ही, साइड के आजू बाजू के दांतों को भी खत्म कर देगा, हमारी जॉ बोन में जाएगा तो वहां पर भी पस होगा, स्वेलिंग होगी, जिसको कि ट्रीट कराने में फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट एनी टाइम हर हालत में बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन है उस दांत को वहां से निकाल देने के बजाय, क्योंकि निकाल देने से तो फिर वो दांत चला ही जाएगा और फिर वहां नकली दांत लगाने में ज्यादा हमें टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस खर्च करना पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें रूट कैनाल के बारे में समझ में आई और रूट कैनाल को लेकर आपके मन में जो डर था वो कुछ कम हुआ। तो इससे जुड़ी और भी कुछ बातें अगर आपके मन में हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, हमें मुझे बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देने में, या फिर हमारी वेबसाइट पे इसके बारे में और पढ़ें और समझें। थैंक यू।